अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शबनम फहीम। कुकिंग विद शबनम फहीम के चैनल पे आपका वेलकम है। कैसे हैं आप लोग? तो आज मेरे किचन में बनने जा रहा है चिकन बर्रा। तो मुझे उसके लिए चाहिए, ये हाफ के जी चिकन है मेरे पास, और उसके लिए मुझे ये कुछ पाउडर मसाले चाहिए। एक चम्मच मेरे पास चाट मसाला है, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, एक चम्मच मेरे पास नमक है, आधी चम्मच काली मिर्च है, आधी चम्मच जीरा पाउडर है, और एक चम्मच कश्मीरी मिर्च है, और मेरे पास ये थोड़ा सा ऑयल है, रिफाइंड ऑयल है। आप चाहें तो इसे बटर में भी बना सकते हैं, और चाहें तो मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हैं। एक चम्मच मेरे पास ये दही है, एक चम्मच मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, और एक बड़ा चम्मच मेरे पास, बल्कि दो चम्मच समझ लीजिए, ब्राउन प्याज है, और एक आधा चम्मच करीब ये मेरे पास लेमन जूस है। चलें तो शुरू करते हैं। तो ये सारे पाउडर मसाले मैं इसमें अपने चिकन में डाल लेती हूँ, और इसमें फिर ये दही भी डालती हूँ, लहसुन अदरक भी है इसमें ऐड करना, आपको ऑयल भी डालना है, और ये ब्राउन प्याज है ये भी आपको इसमें डालना है, ये भी जाएगी इसमें, और ये लेमन जूस भी इसमें जाएगा। ठीक है, इसे अच्छे से मिक्स कर देना है इसके साथ। ठीक, तो मैंने इसमें सब मिक्स कर दिया है, पाउडर मसाले भी, दही भी, ब्राउन प्याज, सारी चीजें जो मैंने आपको दिखाई थी सब मिक्स कर दी हैं। अब इसे आप आधा घंटा एक घंटा रख दें, चाहे तो ओवरनाइट भी रख दें तो बहुत अच्छा टेस्ट हो जाएगा। जितना आप इसको रख सकते हैं उतना रख लें आप इसको, कोई इसमें मसला नहीं है, आप रख सकते हैं। चलिए तो इसे शुरू करते हैं बनाना। तो मैंने एक फ्राई पैन रख दिया है चूल्हे पे, उसे हीट कर लिया है, उसमें कुछ डाला नहीं है क्योंकि इसमें ऑयल डाला हुआ है मैंने। अब इसमें ये सारा हम चिकन इसमें डाल देते हैं, ये चिकन पानी छोड़ेगा और दही पानी छोड़ेगा, तो ये इसी में पकेगा, और हमें इसी में ये फुल डन करना है। इसे पूरा खुश्क होने तक आपको, ये पूरा गलने तक आपको स्लो आग पे बनाना है, ठीक है? 15 से 20 मिनट के लिए हम ढक के रख देते हैं। देखिए ये इस तरह का हो चुका है, इसमें चिकन ने पूरा अपना ऑयल छोड़ दिया है, और ये इस तरह भुना हुआ हो गया है बिल्कुल। तो अब हम इसके, इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, इसकी बोटियाँ अब हम निकाल लेंगे और इसे हम ग्रिल करेंगे। चलिए तो आगे देखते हैं। चलिए तो इसे ग्रिल कर लेते हैं सब चिकन को अपने, निशान आ जाना चाहिए ग्रिल वाले, अच्छा सा हो जाएगा, टेस्ट बढ़ जाएगा इसका। मैं सारा ग्रिल करती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। चलिए जी, जो देख लेते हैं हमारी ग्रेवी में डालने के लिए क्या क्या मसाले चाहिए हमें। आधी चम्मच नमक चाहिए, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर चाहिए, आधी चम्मच से आधा हमें काली मिर्च चाहिए, आधा चम्मच मुझे जीरा पाउडर चाहिए, आधा चम्मच मुझे गरम मसाला चाहिए, और एक चम्मच चाहिए कसूरी मेथी। ये मेरे पास काजू और हरी मिर्च का पेस्ट है, ठीक है। दो मीडियम साइज के टमाटर हैं जिसे मैंने प्योरी कर लिया। तो ये हाफ बाउल मेरे पास मलाई है, और थोड़ा सा ब्राउन प्याज है मेरे पास, हाफ ही समझ लें, हाफ बाउल है, और ये थोड़ा सा हाफ से भी कम मेरे पास दही है, ठीक है। तो ये सारे मसाले इसके करी में जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं करी बनाना। चलिए तो बस ऑयल मैंने गरम कर लिया है, आधी प्याली ऑयल होगा, तो उसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसमें डाल देती हूँ। और ये जो ब्राउन प्याज आपको दिखाई थी, ये ब्राउन प्याज भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और ये जो टमाटर की प्यूरी बताई थी आपको, ये भी इसमें डाल देती हूँ। गैस को तेजी रखेंगे, और ये सारे पाउडर मसाले जो थे ये भी मैं इसी में डाल दूंगी।
तो देखिए मैंने इसका मसाला अच्छे से भून लिया है, तेल भी सरफेस पे आ गया है। अब इसमें ये 2 चम्मच जो दही बताया था मैंने, ये भी इसमें डाल देते हैं और इसे अच्छे से भून लेते हैं। इसके साथ भी ये पूरा तेल छोड़ दे, इसके साथ भी भून लेती हूँ। और ये थोड़ा सा जो मसाला मैं इसमें बर्रा बनाते में बच गया था, और मैं इसमें आपको अदरक लहसुन का पेस्ट बताना भूल गई थी जब मसाले दिखा रही थी, तो उसमें अदरक लहसुन का 1 चम्मच पेस्ट भी शामिल था जो मैंने अपनी ग्रेवी में आपको आगे दिखाया भी है। ठीक है, इस तरह से आप इसे बनाएं और तेल सरफेस पे आ जाए। तो फिर ये मेरे पास जो काजू का और हरी मिर्च का पेस्ट है ये भी इसमें डाल देती हूँ मैं, और अच्छा टेस्ट हो जाएगा। तो ये बहुत मज़े का बनता है, आप लोग बनाइएगा अपने घर में, मेरी रेसिपीज है और इंशाल्लाह आपको बहुत मज़े का मिलने वाली एक डिश। एक सेकेंड इसको भी भून लेते हैं। बहुत अच्छी इसमें रंगत हो गई है इसकी, देखते हैं कितना अच्छा भून रहा है। और ये तो चिकन, मेरे मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है और मैं इसमें अपना चिकन शामिल कर लेती हूँ। और इसमें मेरी ये जो मैंने आपको क्रीम बताई थी ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ, क्रीम भी, दूध की मलाई है ये, आप क्रीम भी डाल सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे आप अपना नमक मिर्च चेक कर लीजिएगा आपको जैसा चाहिए हो। ठीक है, और इसे अच्छे से भूनना है। और इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देती हूँ, ज़्यादा इसे थिन मत करिएगा ज़्यादा, क्योंकि ये थिक ही रहता है। बाकी आपकी मर्जी है। चलिए मैं इसे थोड़ा ढक के पकाती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। जैसे मैं ढक के पका लेती हूँ तो देखिए ये पक चुका है और चिकन भी मेरा पूरी तरह कुक हो चुका है इसमें, और ये बहुत मजे का बना है, बहुत खुशबू आ रही है। चलिए मैं इसे आपको डिश में निकाल के दिखाती हूँ। ये तैयार है, बहुत ही शानदार मजेदार हमारा चिकन बर्रा, बहुत ही मजेदार है। मेरी रेसिपी से आप भी बनाएं, इंशाल्लाह आपका भी बहुत मजेदार बनेगा और बहुत ही अच्छा बनेगा। इसकी बहुत अच्छी खुशबुएं महक रही है मेरे घर में। तो मेरे चैनल को इसी के साथ ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।